बारिश शुरू हो गया है। पहले बार बारिश मिला मैंने। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम लोग मेघालय जा रहे हैं एक दोस्त है, सो उसको दिखा देता हूँ बाद में। ये भी आ गया दिखाने के बाद से ज़्यादा था ये। हेलो हाँ, तो थोड़ा दूर जाने के बाद लिफ्ट लेने की कोशिश करेगा हम लोग। चलो बाइक को रुकने दो पहले। ये आपको बोला था, ये कल रात दिल्ली से आया था। सो यहाँ प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हील ज़्यादा है ना, इसी के वजह से पान पर खत्म बदल। रुकी नहीं रही है भाई। ग्राम से भरा हुआ है। सो मैंने आगे पीछे बैग रखा है, बोके बहुत ज़्यादा गर्म दे रहे हैं इधर से भी वो पीछे से भी। फिर चेकिंग यहाँ से शुरू करेगा। ये भाई साहब रुक रहे हैं गाड़ी, फिर भी गाड़ी एक भी नहीं मिल रहा अभी तक क्योंकि यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इधर। पता नहीं यहाँ पैसा लेते हैं, सुना मैंने एक गाड़ी तो रुका था। शिलोंग थैंक यू। हाँ भाई साहब, ओहो मेरे वाला बैग तो अंदर ही रखेगा। थैंक यू ब्रदर। आपका नाम रोहित बोला था ना? मेरा नाम रोहित है। टाइटल? रोहित शाह। रोहित शाह, थैंक यू सो मच सर। एनी डे भाई, एनी डे। हाँ हाँ, बंद करना मुश्किल हो गया। ओके बाय बाय। सो हेलो गाइस, हम लोग अभी पहुंच गए नोंको और समथिंग ये टाउन है। सो वो जो भैया था ना, हम लोग लिफ्ट दिया था अराउंड 70 किलोमीटर ऐसा कुछ, नहीं ऐसा कुछ दिया था। तो यहाँ से फिर लिफ्ट लेने की कोशिश करेगा, चक्कर आ गया है मुझे तो अभी। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये वाला गाड़ी को देखा था ना हम लोग आने में। सो यहाँ से थोड़ा आगे जाके हम लोग फिर चेकिंग करने की कोशिश करेगा, मिल ही जाएगा। साग वगैरह बहुत ज़्यादा है, सही है, इधर भी जाएगा, इधर गाड़ियाँ चल रही है। लेकिन हम लोग अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। हाँ हाँ, इधर तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा। हाँ हाँ, एक मील बड़ा महंगा होगा यहाँ पे। हाँ। देखते हैं आगे क्या करना है। मुझे गाड़ी रुकने की जरूरत नहीं होता, वो जो भाई साहब है ना वो सब रुक गया था। उसके साथ बात कर रहे हैं अभी, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है इधर। कहाँ तक जाएगा ये? अब कहाँ से आया था भैया? गुवाहाटी। थैंक यू। हाँ ये क्या बना रहा है? ये वीडियो। इसका बैग, ओए इसका बैग अलग लेवल का भारी है। तो ऐसा कुछ सीन होगा ट्रक का, तो यह पैर रख दिया मैंने। थैंक यू भैया। आपका नाम क्या है? महिदुल इस्लाम। हाँ महिदुल इस्लाम। महिदुल इस्लाम, इस्लाम टाइटल इस्लाम। हम जाएंगे अगरतला। अगरतला, ओहो बहुत, हम लोग अगर
डाउकी भी जाने होने से तो यहाँ डायरेक्ट सीधा नहीं जाता एक बार से डाउकी तो ये उठता है वहाँ से जाता है मैं गया था अगरतला पहले भी आप लोग कहाँ का है मैं तो असम का ही ये यूपी का है अपने तो ना ना नहीं आता मुझे असमीस असमीस नहीं मालूम मैं हफलुंग नाम सुना हफलुंग हफलुंग का है तो नागा है नागा नहीं दिमासा दिमासा है तो वहाँ असमीस नहीं बोला जाता बोलूं फिर तो असमीस बोल सकता है हाँ कुछ कुछ लोग काम को लेकिन काम यहाँ वहाँ बंगाली और हिंदी हम लोग अभी था उधर अभी नहीं जाऊंगा हम लोग पहले जाता था ओहो अभी नहीं जाते हैं अभी रास्ता ब्लॉक है ना आप भी कहाँ का है भैया सो गाइस फाइनल थैंक यू हम लोग क्या आएगा ये बाईपास थैंक यू सो मच ओके तो आ गए हैं उमियांग लेक पे सो गाइस ये सीधा जाएगा शिलोंग यहाँ से 19 किलोमीटर ऐसा कुछ दूर है और ट्रक वगैरह बहुत ज़्यादा है आज हम लोग बहुत आसानी से लीव मिल गया है लोग बोलते हैं कि मेघालय में बहुत ही डिफिकल्ट ही चाकिंग लेकिन आज अभी 19 किलोमीटर ही बाकी है जो शिलोंग पहुँचने के लिए सो यहाँ का मेन सेंटर है कैपिटल है सो आज उमिया हम लोग रहेगा उसके बाद खराब चला जाएगा उस साइड पर ट्रक वगैरह बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो ट्रेन लाइन बंद है ना उसके वजह से ट्रक बहुत ही ज़्यादा आ रही है सो माय कैमरा मतलब मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है फिर भी यहाँ उमियम लेक का नज़ारा देखो गाइस फिशिंग कर रहे हैं उधर थोड़ा कुछ लोग सो सीधा जाता है उधर मिलता है ये गुवाहाटी जाने और नहीं ये शिलोंग जाने का रास्ता वो जो बाईपास है वो सिलसर जाएगा साइड सिलसर साइड में फिर दोनों वहीं से दिल्ली में मैं नहीं ले जाऊँगा यार बारिश फिर से शुरू हो गया देखो जब जोर से अभी बारिश दे रही है ऊपर से मेरा अम्ब्रेला इतना छोटा है देखो ये बोल रहा था कैमरा मैन में ठीक है चलो पानी नहीं जा रहा है पानी नहीं जा रहा है मैट पे जा रहा है सिर्फ बस ठीक है सही है पानी वो करके बारिश शुरू हो गया है पहले बार बारिश मिला मैंने सो दिस इज माय कंडीशन अभी कल रात मैंने गुवाहाटी में वॉश किया था तो ड्राई ही नहीं हो रहा था उसकी वजह से अभी ड्राई होना करने पड़ रही है मुझे और टेंट लगा लिया है मैंने सो थोड़ा रेस्ट करेगा उसके बाद देखता हूँ कहाँ जाता जा सकेगा मैं बस में अरे वो वहाँ पर करा है मैं ओरियो खाएगा थोड़ा बाद में खाना बना के खाएगा अभी निकालने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि ट्रैवल करने में आज मैं पहली बार बोरिंग लगा हूँ जगह आप इतना खास नहीं लग रहा था मेघालय ये अगर इसका जैसा होने से हफलों का जो टाउन है ना वो सेम ही है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट से ही है तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है अभी तक तो जैसे नॉर्मल जैसा लग रही है क्योंकि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट इससे भी ज़्यादा सुंदर है मेरे ख्याल से जो रास्ता वगैरह है ना आने में देखा तो अलग लेवल का मज़ा है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में भी सो ये उमियम लेक उसमें भी मुझे इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि वो जो लेक नहीं गोल्फ फील्ड का जो नज़ारा है वो बाईसा बोलो मत सो इतना खास नहीं होगा वाटरफॉल वगैरह होगा मेघालय में ऐसे कुछ हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में सब कुछ हो जाता है अगर मैं तुरंत जगह चेंज कर लेने से अच्छा होता था तो बारिश वाला मौसम हो रखा है ये मतलब शिलोंग में तो बारिश होते रहता है ऐसे सुना था मैंने मेघालय में सबसे ज़्यादा तो ओरियो में अभी खाना सुबह से कुछ नहीं खाया बस बिस्किट वगैरह खाते रहे हम लोग सो पानी भी लेने के लिए जाएगा थोड़ा बाद में वो मैगी बनाई उस समय ठीक है दिखा रहे हो बाद में क्या क्या दिखने मिलेगा बताना मुझे
अभी फंसता रहा इधर आने के बाद, क्योंकि इतना खास नहीं लग रहा है अभी तक। जो अभी पानी के लिए लेने, पानी लेने के लिए अभी आलस लग रहा है मुझे। तो जो जो भी पानी बासा था ना, वो उसने लेके आया था, मैंने एक बोतल भी लेके ना आया, तो दो बोतल लेके आया था, वो खराब हो गया। बिस्कुट वगैरह वो ही साथ लेके आया था। हम लोग गुवाहाटी से कुछ लेगा सोच रहा था, लेकिन सीधा आ गया था, गाड़ी मिल गया था। तो है ऊपर तरफ रास्ता जो है वो शिलोंग जाने के लिए, कल सुबह हम लोग उस रास्ता से ही जाएगा। तो अभी आज रात मैगी खा के ही सोने पा रहे गया। मैगी वाला को दिखाई नहीं दे रही है अभी इधर से, ठीक से। हेलो गाइस, कैसे मैगी खानी है तो आ जाओ। तो ये ब्यूटेन गैस है, उसका सरबाना लेगा, ये उसका गैस है। तो कितना मैगी बना गया, चार पीस ना। मैंने कुछ लिया ही नहीं, तो जो भी सामान है ना सब वो उसने लेके आया, पानी मैं सब कुछ लेके रखा हूँ। ये देखिए सब है अपने पास, सूप, ये देखिए मैगी पड़ी हुई है, सूप रखे हुए हैं, ओट्स रखे हुए हैं, मतलब सब सारा अरेंजमेंट है। और अचार वगैरह भी है ना आपका? सारा अचार भी है, सब कुछ है। ठीक है, सही है। ये मैगी आज भर की है क्योंकि चार पीस है, दो तो खाएंगे खत्म हो जाएंगी, फिर मॉर्निंग में कल बाय करेंगे हर चीज खाने के लिए। कल से कुकिंग स्टार्ट करेंगे, आज काम चलाते हैं। ठीक है, तो घास जलने लगी। किनारे की घास जल जाएगी पूरी। सही है, जल रही है किनारे, जल गई, जल गई, स्मेल भी आने लगा है। आग जलाने की लकड़ी बनती है, अब नहीं खाते हैं, फिर टेस्ट करके देखेंगे अपने भाई कि मैं मैगी बना पाता हूँ या नहीं सही से। ओके, थोड़ा इसमें पानी थोड़ा कम हुआ था, पानी भी डालता हूँ। सब रेडी हो गया, मतलब पक गया है मैगी। ये भाई साहब ने बनाया है, देखो पानी डल रहा है अभी। ये लखनऊ, आपका घर लखनऊ में है ना? लखनऊ में भी है, लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, तो कहीं भी जा सकते हैं। मैं तीनों जगह रहता हूँ। जब मैं जाता हूँ ना ऊपर तरफ, आप नॉर्थ इंडिया साइड जाने से आपको घर में जाने सही है ना, आराम से। मतलब आप चल रहे कैमरा चल रही है? हाँ, मतलब आप लखनऊ में भी रुक सकते हैं और दिल्ली में भी, और क्या कहते हैं पंजाब में भी, और अपना उत्तराखंड में भी है सिस्टम रुकने वाला। मतलब उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर सबसे बेस्ट है ना, उधर गुरुद्वारा अवेलेबल रहते हैं। तो आपके अगर नहीं है कोई रुकने का अरेंजमेंट, कुछ नहीं है, कैंपिंग नहीं हो पा रही है, बेस्ट है गुरुद्वारे में रुको, खाओ पियो सब कुछ करो, कोई पैसा नहीं खर्च। इधर थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि इधर गुरुद्वारा नहीं है, तो इधर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और उस तरफ देखिए पूरा धुंध टाइप की हो गई है, बारिश वाला मौसम है ना, उस साइड सर्कल इसको हैंडल करना। तो हम लोग मैगी निकल रहे हैं अभी, एक मैगी कहाँ चला गया। बहुत दिक्कत ये कैमरा का सर। सो मतलब मैगी खा के खत्म हो गया है अभी, दो पैकेट एक 10 रुपये वाला खा लिया। सो गाइस अभी आज के लिए वीडियो खत्म करने के लिए सोच रहे हो, क्योंकि सबसे बेकार ब्लॉग आज तक मैंने बनाया तो यही वाला ही है, क्योंकि कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ट्रैवलिंग करने में आज सबसे बोरिंग लगा मेरा बोरिंग स्टेट। जब मैं अरुणाचल गया तो बहुत अच्छा था, और त्रिपुरा में भी। कल क्या होगा पता नहीं, देखेगा कल तरफ। तो आज का ब्लॉग तो सबसे बेकार होगा, सो एंडिंग कर देता हूँ मैं।